नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति। राजधानी पटना से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की जो कि 15 साल की है, उसे बहला फुसलाकर घर से भगाया गया है। परिजनों ने इसकी लिखित शिकायत पटना के पीरबहोर थाने में कराई है। आप स्क्रीन पर वो लिखित शिकायत देख सकते हैं, जिसमें लड़की की माँ द्वारा बताया गया है कि किस तरह से लड़की को शहजाद नाम के लड़के, जो कि दलदली रोड में किराए के मकान पर रहते हैं, उसके द्वारा बहला फुसलाकर घर से भगा दिया गया। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें रोती बलकती माँ के द्वारा क्या कुछ बताया जा रहा है। 6 महीने से लगभग गायब है, थाने में आपने FIR दर्ज करवाई है, आखिर क्या अभी तक जानकारी आप लोगों को मिली है? कुछ भी नहीं बोलते, देख रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता। ये DSP पास जाते हैं तो यही बात बोलते हैं, और रवि रंजन सर पास जो केस लिए हैं वो भी यही बात बोलते हैं। थाने में आपका? पीरबहोर थाना में, हम लोग का बाकरगंज का थाना पीरबहोर पड़ता है। पीरबहोर के जो थाना प्रभारी है क्या बोलते हैं रिजवान खान आपको? रिजवान अहमद खान जो हैं वो बोलते हैं कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, खोज ही रहा है, कर ही रहा है, मिलेगा तब ना, जब कुछ पता ही नहीं चलता, कुछ रिक्वेस्ट नहीं ले रहा। कितनी बड़ी बेटी थी? 15 साल नहीं पूरा था उसको, नाबालिग है, नाबालिग है। कैसे मतलब लड़के से दोस्ती हुई? बोलते हैं सब फेसबुक से हुआ है, कराटा जाती थी गांधी मैदान से, उसको कराटा कराते थे, ब्लैक बेल्ट भी मिल गया है। क्या लगता है बेटी के साथ क्या हुआ होगा, ये भी जानना चाहते हैं? हाँ, ये भी जानना चाहते हैं, जिंदा है या नहीं है ये भी जानना चाहते हैं। दोस्ती हुई और उसके परिवार वालों का आप लोगों को कुछ पता है कि नहीं? हाँ, मुजफ्फरपुर में उसका परिवार का घर है, लेकिन घर छोड़कर सब भाग गया। लव जिहाद का मामला आप शायद बता रहे हैं। हाँ। आपको लगता है कि ये लव जिहाद हो सकता है, दूसरे कास्ट का लड़का है? हो सकता है, क्योंकि मेरी बेटी कम उम्र के उसको बहला फुसला करके ले गया। उसको तो उम्र था नहीं, नाबालिग था नहीं, नाबालिग है। किस कारण से फुसलाया, क्या देख करके फुसलाया, कुछ जानती हैं? नहीं जानते हैं, हाउस वाइफ है, हम घर में रहते थे। आपको कभी आपकी बेटी ने बताया कि दोस्त है मेरा कुछ? नहीं नहीं, ऐसी ऐसी बोर्ड से उसको हम पढ़ा रहे थे, आप बोली मम्मी कराटा सीखेंगे तो कराटा भी सिखा रहे थे, उसको ब्लैक बेल्ट भी मिल गया है। क्या लगता है पुलिस आपको न्याय दिला पाएगी, क्या अपील करेंगे? हमको तो नहीं लग रहा है कि दिला पाएंगे, हम 8 महीने से भटक रहे हैं, अकेले भटकते हैं, मेरा परिवार भी साथ नहीं देते हैं। परिवार क्यों नहीं आपके साथ है, क्या कह रहे हैं? सास ससुर सब सब है, लेकिन कोई साथ नहीं देता हमको, हम अकेले भटकते हैं, और उसमें भी हम थायराइड है, थायराइटिस है, बीमारी से ग्रस्त है हम। बेटी का फोटो दिखाइएगा। सर दिखा रहे हैं, देखिए ये बेटी का मेरा फोटो सामने, है सामने सामने दिखाइए, ऊपर का सामने सामने नाबालिग। तो आपने देखा कि माँ ने, जिनका नाम मीना देवी है, उन्होंने बताया कि लड़की इससे पहले भी 1 अक्टूबर को भागी थी, जिसके बाद उसे दूसरे ही दिन मुजफ्फरपुर के पथरौल से पकड़कर घर वापस लाया गया था, लेकिन फिर से वह 15 दिनों के बाद भाग गई। अभी वो 6 महीनों से लापता है, परिजन रोज ही उनकी खोजबीन करते हैं, लेकिन पुलिस भी उनकी अब कोई मदद नहीं कर रही है। पुलिस भी कहती है कि हम क्या करें, ढूंढ ही रहे हैं, अपनी तरफ से प्रयास ही कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें हेडलाइंस बिहार के साथ, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।